करवट पहले दिन दी संघणी धुंद ने राहगीरां दी चिंता वधा दित्ती है। पूरे पंजाब दे अंदर मौसम ने करवट बदली है ते सर्दी दा मौसम शुरू होया। उते ही संघणी धुंद ने भी दस्तक दे दित्ती है। राहगीरां नूं सड़कां दे उपर चलन समय ध्यान रखना चाहिए है। सड़कां दे उपर चलन लग्या अपने वाहनां दीआं लाइटां जगाउणियां चाहीदियां ने। सड़कां दे उपर लगियां वाइट पट्टियां दा वी ध्यान रख्या जावे अते सावधानी दे नाल कीती जावे सड़कां दे उपर ड्राइविंग। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी के चलद ही जी धुंद की गल करिए संघनी धुंद पैनी शुरू हो गई है। अब जिस तरीके सर्दियों के सीजन की अब पहली धुंद पई है, जिस तरीके सहयोगी दिखा रहे हैं कि लगातार सड़कों उत्ते जी संघनी धुंद पैनी शुरू हो गई है। भावें कि लगातार जिस तरीके असं देखते हैं कि सर्दी का जो मौसम शुरू होंगे है तो गर्मी तो लोगों को कितना कितने राहत मिलती है, पर राहगीर कितने काफी मुश्किलों का सामना करना पैंता क्योंकि जी धुंद है वह संघनी पैनी शुरू हो जाती है, जिस नाल काफी ज्यादा व्डे व्डे हादसे भी हो जाते हैं। कितना कितने जीव जंतुओं भी काफी मुश्किलों का सामना करना पैंता। जिस तरीके सड़कों उपर जिस तरीके सड़कों के उपर सरकार वालों जिस तरीके प्रबंध किए जाते हैं कि वाइट पट्टियां लगाई जाती कि हर आने जाने वाले जी राहत मिल सके वाइट पट्टियां वेख के गुजर सके। तो नाल जिस तरीके गल करा लाइटा भी लगाई जाए कि जड़िया रात समय लाइटा ब्लिंक होने आने जाने वाले लोगों जड़िया ने मुश्किल ना हो। जिस तरीके तुम वेख रहे हो कि लोग जो राहगीर लंघते भी नजर आते हैं, पर जो धुंद आ धुंद का जो इस वे जिस तरीके गल करिए सर्दी की पहली धुंद ने अः जी अपनी मौसम ने करवट बदली है। पहली धुंद जी अब बहुत संघनी पई है, जिस नाल काफी जेडे लोगों आने जाने वाले जी काफी मुश्किलों का भी सामना करना पै रहा। इतने जो स्कूलों के बच्चे ने वह भी इतने साडे नाल मौजूद ने, जेडे कि इस ठंड में जेडे बच्चे जाने स्कूलों जाते हैं धुंद के बच्चे खड़े ने साडे नाल। की बेटा की कहना चाहते हो, किस तरीके लग रहा धुंद, पहली धुंद पई है सर्दी अज? ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੋਪ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਹੀਕਲਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰੋਡ ਤੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਪ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਫੋਗ ਆ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਦ ਆ, ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਫੋਗ ਆ, ਬਟ ਵਹੀਕਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਟਸ ਜਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, बिल्कुल तुसी वेख रहे हो कि अज जिस तरीके पहली जी धुंद सर्दी की पई है, जिस तरीके मौसम दे विच काफी करवट बदली है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया क्योंकि जिस तरीके काफी गर्मी भी पई सी, लोगों को अज राहत मिली है। नाल राहगीर थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पेगा, पर यह सीजन जो भी सर्दी आती है तकरीबन ये जेडे तीन महीने जी लगातार जी धुंद पैंदी है ते लोगों जी आने जाने थोड़ी मुश्किल होंगी है, पर कितना कितने जी लोगों गर्मी तो राहत मिलती है। बाकी असीं भी अपने इंडियन न्यूज़ पंजाब राही सारे अपील करनी चाहवांगे कि जिस तरीके का मौसम सर्दी का आ चुका तो धुंद पैनी शुरू हो गई है, लोगों को अवेयर होना चाहिए, अवेयर होकर जो बाहर निकलना चाहिए, अपनी बाइक्स दी लाइटां जगा के निकलनिया चाहिए, रस्ता रोडों उपर जिहड़ा वा बिल्कुल वेख के चुकन्ने होकर चलना चाहिए। बाकी तुसीं जुड़े रहो इंडियन न्यूज़ पंजाब दे नाल, जनाला तो जगजीत सिंह दी रिपोर्ट।